नमस्कार। नमस्कार जी। आज की शिक्षक पर्व की उद्घाटन समारोह में हमको मार्गदर्शन करना और संबोधित करने के लिए उपस्थित देश की लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, परम आदरणीय प्राचार्य गण, शिक्षक गण, प्यारे विद्यार्थियों, अधिकारी मित्र गण, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। पिछले 2 महीने में हमारी जो नई टीम आपकी निर्देश में बनी है, उस 2 महीने में हमारा यह अनुभव आया और उसमें से आपने एक बड़ा संदेश देश को दिया है। ये तीसरे कार्यक्रम आप निरंतर शिक्षा विभाग में स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए, ये सिर्फ मार्गदर्शन नहीं है, ये प्रमाणित करती है देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की आत्मा के ऊपर आपकी लगाव कितना है, आपकी प्रतिबद्धता कितनी है और आपकी कल्पना क्या है देश की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आज एक 2 विषय ऐसे उल्लेख करना चाहूंगा, मैं इससे जुड़े हुए तमाम लाखों विद्यार्थी, लाखों अभिभावक और लाखों प्राचार्य और शिक्षक गण के सामने ये कहना चाहूंगा। अभी अभी एक सर्वेक्षण में विश्व जब एक नई चुनौती में गुजर रहा है, पेंडेमिक के कारण विद्यालय, महाविद्यालय दुनिया भर में एक क्रॉस रोड में खड़ा हुआ है, उसी समय में हमारी देश को नेतृत्व आप कर रहे हैं और आपकी स्वीकृति ना केवल देश के अंदर आज विश्वास की केंद्र बना है, विश्व के अंदर आप सबसे भरोसा और लोकप्रिय नेता करके आप आगे आए हैं, इमर्ज किए हैं, विश्व की कम्युनिटी आप पे भरोसा रखा है। वैसे ही हमारे देश के लिए जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे लिए और एक गौरव की क्षण ठीक 1 महीने के बाद आएगा। शायद आजाद भारत में आप पहला जननेता होंगे जिनको देश की जनता ने निरंतर 20 साल तक, शायद ये सौभाग्य इस प्रजातंत्र में देश की जनता आप ही के भरोसे पे दिया है, 20 साल तक एक सरकार की मुख्य के रूप में, राज्य हो या देश हो, और उसमें से शिक्षा के ऊपर आपने जो प्राथमिकता दिया है, ये 20 साल उसकी साक्षी है। आज की शिक्षक पर्व जो आपकी कल्पना है, हम सालों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते आए हैं, लेकिन पैंडेमिक के अंदर पिछले साल आपने मार्गदर्शन किया, ये शिक्षक दिवस केवल सीमित ना रखा जाए, इसको एक पर्व के रूप में, इसमें से हमारी शिक्षा के प्रति हमारी रुचि, हमारी कमिटमेंट और हमारी योजनाएं बताने के लिए एक अवसर है। और जब 3 दशक के बाद आपकी निर्देश पे, आपकी नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और शिक्षा नीति को जब कभी हम समीक्षा करते हैं, पढ़ते हैं, उसके केंद्र में शिक्षक है, केंद्र में टीचर है, केंद्र में प्रोफेसर है, और आप तो स्वयं परीक्षा पे चर्चा, इस प्रकार की एक नया आयाम करके देश के विद्यार्थियों की शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक बने हैं। उसी पृष्ठभूमि में आज शिक्षा विभाग ने आने वाले 10 दिन तक अनेक सृजन, अनेक रचना, आजादी की अमृत महोत्सव, देश की आने वाले 25 साल की प्रवास, नया भारत बनाने की आपकी प्रतिबद्धता को सामने रखते हुए शिक्षक समुदाय को, इस परंपरा में शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको आपके दर्शन के साथ जोड़ने के लिए एक विनम्र प्रयास किया है। आज आपकी अनुमति से 5 ऐसे आयाम को आज हम लोकार्पित करेंगे आपके हाथ में, जो देश की शिक्षा जगत के लिए एक नया उपक्रम होगा। मैं पुनः आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभवों को आभार प्रकट करता हूं और सबको स्वागत करता हूं, और आपको भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विनती कर रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम के जो 5 मुख्य इनिशिएटिव हैं,
उसको आप बटन दबा के लोकार्पित करें देश को। साथियों, आज शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस आईएसएल डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाएगी बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। चुनौतियां अनेक थी लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देख रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है उस ओर मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये अभियान केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड है। एनईपी के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडेमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का,
सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी शिक्षकों ने भी हृदय से ये महसूस किया होगा, किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोष होता है वो अलग ही होता है। साथियों, हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है, और ये रिश्ता, ये संबंध पूरे जीवन का होता है। इसलिए भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद तैयार करना है, और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा।